ठीक है। तो गाइज आज मैं बात करना चाहूँगा कि जो एक बोलते हैं ना अंदरूनी जो ताकत, वो जो सबसे ज़रूरी है। अगर आप देखें तो आजकल जो है एस्थेटिक ओवरलोड या बहुत ज़्यादा आउटर के जो लुक के लोग जो है वो काम करते हैं एब्स पे, ट्राइसेप्स पे, बाइसेप्स पे, लाइक उस पर उनका ज़्यादा ध्यान रहता है। बट मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपको ठीक है आउटर लुक ज़रूरी है क्योंकि आजकल सोशल मीडिया सबको अच्छा दिखना है, बट उसके साथ साथ आपके अंदर अंदर की भी जान चाहिए। वो जैसे ये मेरे दो स्टूडेंट्स हैं आप देख रहे हो, तो मैं इनको बेसिक डाइट रखी है इनकी बिल्कुल ही एक जो बेसिक डाइट अपने चिकन एग्स राइस चपाती खाली कभी राइट, कोई इनको प्री वर्कआउट नहीं, कोई पीसीए वगैरह नहीं, कोई कुछ नहीं। हम सिर्फ वर्कआउट से पहले कैफीन के टैबलेट लेते हैं, कॉफ़ी पीते थे पहले हम, बट कॉफ़ी उनको सूट नहीं करती, उससे एसिडिटी होती है, तो हम जो है कैफीन टैब सिर्फ लेते हैं और हम तीनों जो है एम्प्टी स्टमक वेट पर करते हैं। तो आज मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि एक अच्छी खुराक के साथ, ज़रूरी नहीं कि आपके एब्स भी हों बाइसेप भी हों, वही सबसे ज़रूरी है, अंदर की जो ताकत है वो भी ज़रूरी है। अगर आप देखो तो कुणाल जैसे आज ये 40 केजीज के हैं राइट, और 35 केजीज के, यानी कि इन दोनों को उठाओगे तो 80 केजीज एक तरफ, 70 केजीज एक तरफ, और इसकी जो है हमने लंजेस लगाने वो भी एक लेग पे 80 केजीज और 70 केजीज। अगर आपके अंदर जान होगी, आपके मसल स्टेबल होंगे, आपके मसल स्ट्रांग होंगे, तभी आप लगा पाओगे ना। तो सबसे पहले अपने आप को अंदर से स्ट्रांग करो। आप देखो इन दोनों को, इनका लास्ट क्लास सेट है, हम फुल बॉडी सर्किट ट्रेनिंग करते हैं और उसमें हम फुल बॉडी लगाने के बाद भी मतलब सारे बॉडी वेट लगाते हैं, चेस्ट भी, बैक भी, ट्राइसेप भी, लेग्स भी, राइट बाइसेप, और उसके बावजूद भी हम लोग इतना वेट उठा रहे हैं। अगर एक एक काम पे अगर ये 70 किलो उठा रहा है, ये जो है 40 किलो और 40 किलो 80 किलो उठा रहा है, तो कैसे? क्योंकि हम लोगों को डाइट की सबसे ज़्यादा जो है हम उसी को पहल देते हैं डाइट को। अब ये नहीं कि हमें एब्स चाहिए, हमें बाइसेप चाहिए, जो एब्स बाइसेप या जो भी आपकी चीज़ें हैं वो जैसे जैसे टाइम होता जाएगा वो ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएंगी जब आप एक डिसिप्लिन में रहोगे। तो अंदर की जान जो सबसे ज़रूरी है, अपने आप को अंदर से जरूर स्ट्रॉन्ग रखें। जितनी ज़्यादा बेसिक डाइट हो उसको आप जो है इंक्लूड करें डाइट में, अपने कोचिंग से सलाह करें, जो बेसिक डाइट है, जो बजट फ्रेंडली डाइट है, उससे क्या होगा कि आप उसको लॉन्ग टर्म तक चलाओगे। और ये नहीं कि इन्होंने आज ही इतना वेट उठाना शुरू कर दिया, इनको साल सवा साल हो गया मेरे पास और अब जाकर इनके अंदर इतनी जान आई है कि ये इतने इतने वेट के साथ लंजेस लगा रहे हैं और वो भी फुल बॉडी वर्कआउट लगाने के बाद। तो होपफुली आपको क्लेरिफाई हो गया होगा कि डाइट सबसे ज़रूरी है, वेट ट्रेनिंग जो है उसके बाद आती है, एक अच्छी खुराक, एक अच्छी जो है सेहत के लिए अगर आपको चाहिए अपने अंदर जान को सबसे पहले डाइट।